हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ये थ्रेड को अरेंज करने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल डीआईवाई, वो भी एक वेस्ट बॉटल से। तो बॉटल आप देख सकते हैं, आपको छोटी चाहिए तो छोटी, अगर आपके पास बड़ी है तो और अच्छा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे थ्रेड्स आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर से जो ये रैपर है इसको हम हटा देंगे और हमारी ट्रांसपेरेंट सी बॉटल आ जाएगी। एंड देन हम क्या करेंगे, इस बॉटल को एक रेक्टेंगल में कट कर लेंगे। तो इसे रेक्टेंगल में कट करने के लिए आप चाहें तो कटर यूज़ कर सकते हैं, सीजर यूज़ कर सकते हैं, या नाइफ़ को गर्म करके उससे भी कट कर सकते हैं, बट बहुत ही केयरफुल करना। तो मैंने पहले कटर का यूज़ किया था लेकिन उससे अच्छा नहीं हो रहा था, एक एजेस क्लियर नहीं आ रही थी। देन मैंने उसको मैंने सीजर से कट किया ताकि एक फिनिश लुक आ जाए। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ होल करेंगे। जो रेक्टेंगल हमने कट किया है उसकी दोनों तरफ हम होल्स करेंगे, जितने हमें थ्रेड लगाने हैं हम उतने करेंगे। थोड़े थोड़े गैप पे होने चाहिए और लेवल पे होने चाहिए। आप ये देख सकते हैं इसमें होल्स कर दिए हैं दोनों तरफ, और मैंने दोनों तरफ 10-10 होल्स किए हैं। अब हम ये लेंगे वुडन स्टिक्स, और वुडन स्टिक्स को हम मेजर कर लेंगे हमें कितनी लेंथ चाहिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एजेस इसके बाहर होने चाहिए, उसके बाद हम साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको कट कर लेंगे। और हमें जितने हमने होल्स किए, मैंने इसमें 10 होल्स किए हैं, तो मुझे ऐसे 10 वुडन स्टिक्स चाहिए होंगे जिसमें मैं थ्रेड्स जो हैं अरेंज कर लूँगी। तो अब हमने वुडन स्टिक्स भी कट कर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपना ये मैसी सा अनटाइडी सा बॉक्स को अरेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये वुडन स्टिक्स लेंगे, इसमें अपना एक थ्रेड लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को वुडन स्टिक में डाल के दोनों तरफ से वुडन स्टिक्स को क्रॉस कर देंगे, जिससे क्या है कि ये हमारा बैलेंस हो जाएगा और सेंटर में थ्रेड आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे सारे थ्रेड्स के साथ। तो इसमें मैंने 10 होल्स करे हैं तो मेरे 10 थ्रेड्स आ जाएंगे, अगर आप थोड़े ज़्यादा होल्स करेंगे तो ज़्यादा थ्रेड्स आ जाएंगे। बॉटल अगर छोटी होगी तो उसमें कम थ्रेड्स आएंगे, बॉटल बड़ी है तो मैंने 10 किए हैं, बट आई थिंक 12-13 ईजिली आ जाएंगे और ये वेल मैनेज रहेंगे। और आप अगर आपके पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं तो आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ईजी DIY है और कोई एक्सपेंस भी नहीं है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और कौन कौन ट्राई करेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये DIY कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।